नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। एक सीरियस, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, उस पर हम आपके साथ में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई बात से आप सहमत नहीं हो तो जरूर कमेंट में लिख देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। एक शब्द है नारी सशक्तिकरण, एक शब्द है नारी स्वतंत्रता। तो जो समाज में स्त्रियों की जो आज वर्तमान में स्थिति है, या जिस तरफ लड़कियां आगे बढ़ रही हैं या बढ़ना चाहती हैं, या जिस स्थिति में वो आपको अपने आप को सशक्त समझ रही हैं और ये समझ रही हैं कि ये हमारा जो है वो जीने का, हमारी मर्जी है, उस तरीके से हम जी रहे हैं, ये एक्चुअल यथार्थ है या ये भ्रम है कि हम जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे हम जी रहे हैं और यही नारी स्वतंत्रता है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि मन को ये विचार बार बार परेशान करता है कि एक गुलाम जैसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अपने मन में ये फितूर पाले हुए है कि हम सशक्त हैं, हमें किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की केयर की जरूरत नहीं है। पिछली स्त्री को केयर की क्या जरूरत है, और जितनी जरूरत है वो तो सभी को जरूरत है, लेकिन स्त्री को केयर की क्या जरूरत है वो इससे समझ में आएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्टैचू के साथ, जो लड़कियों के स्टैचू होते हैं जिस पर ड्रेसेस वगैरह टांगी जाती हैं स्टार्टिंग में, तो उसको हाई हील की सैंडल पहनाई गई, और वो इसलिए पहनाई गई थी जिससे कि ये जो पिंडलियां हैं ये ज्यादा सुंदर दिखाई दें, इसका रीजन ये था, एकदम निकल के एकदम दिखाई दे, इसलिए हाई हील पहनाई गई। स्टैचू के ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। अब हम तो मालिक हैं, हमने इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट समाज में रखी। सारी लड़कियां हाई हील पहन के तैयार, जिनको मॉडल बनना है वो भी, जिनको मॉडल नहीं बनना है वो भी। सारे डॉक्टर्स ने, रिसर्च करने वाले लोगों ने 50 बार समझाया कि हाई हील आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पैरों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसके बावजूद जितनी भी लड़कियों की सैंडल बनती हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई हील बिकती है। आप स्वतंत्र हैं या आप परतंत्र हैं, जैसा हमने चाहा और वैसा आप कर रहे हैं। टॉप क्लास जो दुनिया की मॉडल्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो हड्डियों का ढांचा दिखाई देगा आप। उनके बारे में जब जानकारी हासिल की तो पता ये चला कि भूख लगी, खाना खाया और वॉमिटिंग कर दी, जिससे कि शरीर को कुछ ताकत न मिल जाए, कुछ वेट गेन न कर पाए। आप टॉप क्लास की मॉडल है, आप अपने हिसाब से जी रहे हो या आप गुलामों की जिंदगी जी रहे हो। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम आपको डायरेक्ट करेंगे कि हमको ये चीज चाहिए, और आप उसके लिए दीवाने हो जाएंगे, जीरो फिगर ट्रेंड चला देंगे सोसाइटी में। हर लड़की डाइटिंग, ठीक ठाक जिनकी पर्सनालिटी हमें बहुत अच्छी दिखी उनके भी दिमाग में मैं मोटी हो रही हूं, और वो डाइटिंग पर लग जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, किसी तरीके से वजन ना आ जाए। क्यों वजन ना आ जाए? क्योंकि हमको पसंद नहीं। आपको तो चक्कर आते हैं चलने में, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि आप एकदम स्लिम ट्रिम दिखनी चाहिए, हल्की सी, हम जहां से उठाएं वहां से वहां रख दें, ये हमारी सुविधा के लिए। हमारी तो ताकत कम होती जा रही है, खाना पीना हमको भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, वायु अशुद्ध हो गई, पानी अशुद्ध हो गया, दूध अशुद्ध हो गया, तो हमें ताकत कम रह गई, अब हम तुम्हें उठाएंगे कैसे? तो हमने दूसरा वाला आपको फार्मूला बताया कि अब हमको जीरो फिगर चाहिए, और आप दीवानों की तरीके से जीरो फिगर के पीछे लग गए।
हमको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, टूथपेस्ट बेचना है, ब्रश बेचना है, उसमें लड़की मॉडल है और उसकी ड्रेस देख लो, कोई सेंस कोई तारतम्य आपको दिखेगा नहीं। लेकिन हमें अच्छा लगता है आपको अगर आप कम कपड़े पहने हो तो मनुष्य जो पुरुष जाति है उसका मनोरंजन होता है, उसको अच्छा दिखता है। आपने कपड़े छोटे पहनना शुरू कर दिए और आप क्या बोल रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा सशक्तिकरण हुआ, आज हम जो चाहें वो हम पहनते हैं, हमको कोई मना करने वाला नहीं है। कौन मना करेगा, किसको जरूरत पड़ी है मना करने की, कर बाप भी एक पुरुष है, भाई भी एक पुरुष है, वो भी यूज टू ठीक है नेकर पहन के घूम, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। सर्दियों के दिन में जनवरी में दिसंबर में एक आदमी को देखोगे वो अंदर इनर पहने होगा, लक्स का फलाने का ढिकाने का, उसके ऊपर एक शर्ट, उसके ऊपर से कोट है, पैंट, पैंट के अंदर पैरों में इनर, और उसी टाइम में उसी पार्टी में एक लड़की मिलेगी जो स्कर्ट पहने होगी, हाई हील के सैंडल पहने होगी, बाल खुले होंगे, ऊपर विदाउट सीट हो स्लीप हो सकता है कि टॉप पहने हो, उसको सर्दी नहीं लग रही, नहीं, वो उस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है जिस तरीके से वो आदमी को अच्छी लगे, आदमियों को अच्छी लगे। तो आपकी तो बुद्धि पे ताला लगा दिया गया, आपका विवेक शून्य। अब जो हम चाहेंगे हम उस तरीके से व्यवस्था करेंगे और आप उसी तरीके से बर्ताव करेंगे, ये स्त्री का सशक्तिकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ये आपको विचार करना है। ये नारी स्वतंत्रता है या नारी परतंत्रता है, इस पे आपको विचार करना है। एक वो होता है विश्व सुंदरी का, या जिला सुंदरी हो जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक एड निकला, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए का, तुरंत फार्म भरेंगी, लाइन लग जाएगी, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां सामने प्रस्तुत हैं, किसके लिए भाई, किसने कहा कि ये छोटे कपड़े आपको पहनने चाहिए, आपकी स्वयं की इच्छा थी कि हम ये पहने या ये फॉर्मेट है, किसने बनाया फॉर्मेट। तो अगर आप गुलाम की तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो आप करते चले जा रहे हैं बिना किसी, एक इतना अच्छा गुलाम राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था कि हमने जो व्यवस्था कर दी उसके अनुरूप आप काम करेंगे और अपनी पीठ ठोकेंगे कि ये नारी स्वतंत्रता है, हम जो चाहते हैं वो पहनते हैं। आप नहीं चाहते, आपको तो ठंड लगती है, पुरुष वर्ग चाहता है और आप उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। हमारा अपनी माताओं से, बेटियों से, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम ये नहीं कह रहे आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो, जो मर्जी आए सो पहनो, लेकिन वो आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए, अपने लिए, आपको अच्छा लग रहा है आप करिए। अगर आप किसी भी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगेगा, एक मतलब हमसे मतलब एक पुरुष जाति को अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा, तो आप हमारी कठपुतली की तरीके से डांस कर रहे हैं। आप स्वतंत्र नहीं है, आपके दिमाग में स्वतंत्रता का वहम है और आपको हमारी किसी केयर की जरूरत है नहीं, बुद्धिमान है आप, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। ये उस प्रकार से सशक्तिकरण हो रहा है कि एक बंदर के हाथ में तलवार दे दो तो सबसे पहला काम अपनी गर्दन काटता है। कुछ चीजों को ये बातें बहुत बुरी लगेगी, ये भाषा बहुत बुरी लगेगी, ये विचार बहुत बुरे लगेंगे, हो सकता है, लेकिन आपका भाई समझे, पिता समझे, जो भी समझे, उस हैसियत से हमने आपसे ये निवेदन किया है। आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट दिखती है, आपकी इच्छा है कि हम ये करें
और क्यों इच्छा है इस पे विचार कर लें, उसके बाद में जो आपका मन करे वो करें। इस्लाम में भी जो लड़की स्त्रियां जो कर रही हैं वो भी अपनी इच्छा से नहीं कर रही हैं, पहना ओढ़ाव की बात कर रहे हैं, वो भी पुरुष वर्ग की इच्छा पूर्ण कर रही हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपकी इच्छा के अनुरूप आप बर्ताव कर सके, और सशक्तिकरण का मतलब ये है कि आपके अनुरूप लोग बिहेव करें। अगर आप चाहते हैं कि आदमी इस तरीके से पेश आए तो वो उस तरीके से पेश आए, वो है सशक्तिकरण। एक लड़की आईएएस बन जाती है, सैकड़ों लोग यस मैम एक आदेश पे पैर कांप जाते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधरों के। एक लड़की आईपीएस बन जाती है, एक लड़की पायलट बन जाती है, हैं? एक लड़की कुश्ती में गोल्ड जीत के लाती है। हरियाणा की एक लड़की थी, हमने उसका वीडियो देखा, पटक के मारा उसने बड़े मेल कैंडिडेट था उसके अगेंस्ट। ये है नारी सशक्तिकरण। मिलाओ साले नजर, तुम मिला के देखो, नियम कायदे कानून गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिए वो नियम बना दिए, उसके दम पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सशक्तिकरण है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सशक्तिकरण एक्चुअल में ये है कि आपकी इच्छा के अनुरूप दुनिया काम करे। स्वतंत्रता वो है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप व्यवहार कर सके समाज में, और अपनी मर्जी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दूसरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं। अगर आपने पुरुष जाति की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ भी किया, चाहे जीरो जीरो फिगर बना लिया, चाहे हाई हील पहन ली, चाहे छोटे कपड़े पहन लिए, जो कुछ भी आपने इसके लिए किया कि हम दूसरे लड़कों को अच्छे लगेंगे, दूसरे आदमियों को अच्छे लगेंगे, तो आप एक ऐसी गुलामी के चक्र में फंसे हुए हैं जो आपके दिमाग में डाल दिए। अब आपको कोई समझाने वाला नहीं है, ना कोई समझाता है, वो स्वतः आप काम कर रहे हो, एक ऑटोमेटिक मशीन, इतना अच्छा गुलाम। धन्यवाद, माफ करना, लेकिन बहुत ज्यादा तीव्रता से ये बात दिमाग में घूम रही थी इसलिए हमने कह दी। धन्यवाद।